हेलो दोस्तों, वीडियो वाला इसी में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब उपचुनाव आने वाले हैं और इस उपचुनाव में जो भी अधिक सीटों पर आएगा उसकी सरकार बनी रहेगी या फिर कोई नई सरकार आएगी। दोस्तों अब इन्हीं के चलते हर पार्टी अपने अपने चुनावी वचन पत्रों और चुनावी घोषणाओं में लग गई है। इसी के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अतिथि शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि हम जो है पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सबको नियमित कर देंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या है सच और क्या है पूरी न्यूज़। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं उपचुनाव में कांग्रेस का चेहरा श्री कमलनाथ एक बार फिर चुनावी वादे करने लगे। अतिथि शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल को कमलनाथ जी ने बुलाया और उनसे कहा कि यदि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह पहली ही कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। ये वादा किया गया कैबिनेट मीटिंग में नियमित करने का अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में ये वचन दिया गया था। 2018 में हुए मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से यही वचन दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन नेता राहुल गांधी एवं कमलनाथ दोनों ने एक मीटिंग का आयोजन किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी संविदा और अतिथि की प्रथा पर विश्वास नहीं करती है। दोस्तों इससे संबंध में एक मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूं, इससे ये बात पुख्ता सिद्ध हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा मगर मैंने वहां से कुछ कर दिया और आपकी मदद हो। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी गहरी बात बताई। थैंक यू सर। अतिथि और संविदा से मध्य प्रदेश पीड़ित है, सही बात है। राहुल जी ने आदेश दिए थे जब हमने अपना घोषणा पत्र की शुरुआत की, उन्होंने कहा था कि ये न्याय का, ये सबके सम्मान का घोषणा पत्र बनाएंगे। और मैंने कहा कि हम घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, हम वचन पत्र बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी संविदा और अतिथि की प्रथा पर विश्वास नहीं करती और ये राहत नहीं है। ये राहुल जी ने जो आदेश दिया ये न्याय की बात है। तो न्याय को सामने रखते हुए, न्याय के नजरिए से हम, आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, आपने कुछ दिन रुक जाइए, आपको शिकायत नहीं होगी। मैं थोड़ा आपको इनसाइड का बता देता हूँ। कल गाड़ी में हमारी इसी बात पे बात चल रही थी, हमारा डिस्कशन। दोस्तों ये बात है 2018 की और अब हम वर्तमान की बात कर लें। दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई थी तो कमलनाथ सरकार बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी वो हुई थी अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान एवं संविदा कर्मचारी। उन्होंने खुलेआम जश्न मनाया, शुरुआत के 3 महीने इंतजार किया और फिर मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। कमलनाथ और कर्मचारियों के बीच एक सेतु का काम करने वाले जो विधायक थे जीतू पटवारी को उन्होंने मंत्री बनाया। अतिथि एवं संविदा ने शुरुआत के 6 महीने में जीतू पटवारी को 500 से ज़्यादा गुलदस्ते भेंट करके वचन याद दिलाया, परंतु वह हमेशा मामले को टालते रहे। राजधानी में 3 महीने से ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने मुंडन कराया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। उल्टा दो बातें स्पष्ट कर दी गईं। पहली थी कि वचन पत्र में नियमितीकरण का वादा नहीं किया था बल्कि नियमितीकरण की नीति बनाने का वादा किया था। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य को, अपनी बातों को चेंज किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि वचन पत्र 5 साल के लिए होता है, इन 5 सालों में हम नियमितीकरण पर विचार कर सकते हैं। कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक अतिथि विद्वान धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, देख सकते हैं आप, और काफ़ी समय से
काफी टाइम तक इन्होंने धरना दिया, कई महिलाओं ने पुरुषों ने मुंडन करवाया, है ना। उनकी अंतिम मांग थी कि फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को सेवा में बनाए रखने की घोषणा जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से की है उसका लिखित आदेश जारी कर दें। कमलनाथ ने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए परंतु जीतू पटवारी ने सर्कुलर पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो दोस्तों किस तरह से जनता को धोखा दिया गया। दोस्तों इसके बाद में शिवराज सरकार ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर शोक व्यक्त करने आए उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि अतिथि शिक्षकों एवं अतिथि विद्वानों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है। जल्द ही इस समिति की सिफारिशों और उनके परिणाम सामने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कमलनाथ जी और शिवराज जी, चूँकि अब चुनाव आने वाले हैं तो यहाँ पर इन लोगों के वचन पत्र, इनकी वादे और इनकी घोषणाएँ, ये सब जानते हैं कि अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और संविदा कर्मचारी लाखों की संख्या में हैं। ये चाहें तो किसी भी चुनाव का रुख को पलट सकते हैं, किसी भी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं और किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो इनको बरगलाना, इनको फुसलाना बहुत ज़रूरी होगा। तो अब ये देखते हैं कि ये वचन पत्र, ये वादे किस पार्टी के लिए सच्चे उतरते हैं, खरे उतरते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांग तो केवल यही है कि उनका नियमितीकरण कर दिया जाए और हो सकता है कि इस चुनाव में इनके द्वारा बहिष्कार किया जाए, किसी थर्ड पार्टी को जिताने का प्रयास किया जाए। अभी कुछ ही समय के बाद में एक रथ यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा की जा रही है जिसकी डेट अभी पता नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण वापस लॉकडाउन 10 दिन के लिए 24 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद में कौन सी डेट रखी जाती है इसके बारे में सूचना सोशल मीडिया से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। एक शिक्षक नियमितीकरण की जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिले, उनसे डिटेल में क्या बात की, उसका इतिहास क्या था इसके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए समाचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।